नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली आप सबके लिए गुड न्यूज आ चुका है फ्रेंड्स। हमारे साथ अशोक सर जुड़ चुके हैं जो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर गोमो 2 में कार्यरत है। आप लोगों को पता है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आ चुकी है और लगभग काफी बड़े स्केल पे वैकेंसी है, जिसमें कि 12 से 13 हजार पोस्टें हैं। सीबीटी 1 का एग्जाम हो चुका है और बच्चे सीबीटी 1 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और सीबीटी 2 की तैयारी में भी लग गए हैं। तो सबसे पहले हम अशोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला, ताकि जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए, कैसे काम होता है, क्या काम होता है। और आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पहले अलग से वैकेंसी आती थी, लेकिन अब उनको मर्ज कर दिया गया है जेई में। अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर की कोई वैकेंसी नहीं आती, वो जूनियर इंजीनियर की आती है, जिसमें डिप्लोमा वाले भी बैठते हैं और बीटेक वाले भी बैठते हैं। वही आप जेई से प्रमोट होकर के सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेंगे, जबकि पहले बीटेक वाले सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ज्वाइन करते थे, जबकि डिप्लोमा वाले जूनियर इंजीनियर में ज्वाइन करते थे। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर, और बताइए सर आपका रेलवे में जर्नी कैसा रहा, आपका करियर अभी तक का कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा हमारा करियर अभी तक, और देहरादून अभी तो हमारा हाँ बोलिए तो हम हमारा लगभग 3-3.5 साल बचा हुआ है इसमें, काफी मैंने अनुभव रहा हम लोग का रेलवे में काम करते हुए। और अभी रिसेंटली जैसा है कि अभी एक बहुत अच्छा रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन है, ये हम लोग अभी ज्यादा फोकस अभी जो है LHS जो लिमिटेड हाइट सब, अभी आप लोग नाम सुने होंगे। तो अभी हमने रेणुपुर सेक्शन में लगभग 26 लिमिटेड हाइट सब ये लॉन्चिंग किया है, इसके बाद जस्ट अभी पुष्टि हुई है उसमें हम लोग लिमिटेड हेड सब है, मतलब है कि इसमें ऊंचाई वाले रास्ता जो होता है और उसको हम लोग लेवल क्रॉसिंग गेट जो होता है, तो खास करके सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारा वहाँ एक्सीडेंट होता है ना, और काफी पर डे इस तरह का लेवल क्रॉसिंग जो घटना रहती है उसको एलिमिनेट करने के लिए सेफ्टी कंट्रोल रूम से, और अभी LHS जो है बहुत हमारा जोर शोर से चल रहा है, जिसमें खंपा डिवीजन इस सेंट्रल रेलवे में अभी सबसे ज्यादा आगे चल रहा है ना, तो ज्यादा भी फोकस उसी में है। और आप लोग को ये कहना चाहेंगे इसको थोड़ा आप अपने चैनल के माध्यम से और इसको प्रचार प्रसार करें, कि बाकी जो जेई आने वाले जेई है या सीनियर है इसमें अपना कैसे LHS वर्क होता है, हम बहुत सारा काम किया है इसलिए अनुभव ज्यादा है, और यही मैंने हमारा अभी मेन टारगेट है। और ऐसे तो बाकी रेल का काम जो है स्टाफ क्वार्टर रिपेयर है और भी कॉलोनी है, सर्विस बिल्डिंग है, उसका काम तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन सेफ्टी को हम लोग सबसे प्रायोरिटी में इसका काम कर रहे हैं, चल रहा है। अच्छा सर, आपने जो LHS के बारे में कहा, वैसे तो आपने जो बताया उससे काफी हद तक मेरे समझ में है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आपसे और जानकारी लेना चाहूंगा। ये सर एक्चुअली में ये मुझे थोड़ा मतलब डिटेल में बताइए और इसके बारे में क्लियर बताइए, ये जो आपने कहा लिमिटेड हाइट्स वे, ये है क्या और इसको इसके ऊपर आप लोग काम क्यों कर रहे हैं, इसकी इसका नौबत क्यों आया इसको बनाने का? नौबत आया देखिए सर, काफी मैंने लिमिटेड हाइट्स वे देखिए, एक तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लेवल क्रॉसिंग गेट काफी सेंसिटिव जगह होता है, जब भी ट्रेन गुजरती है आप देखे होंगे मैंने कोई या तो मोटरसाइकिल पास कर दिया या कोई ट्रैक्टर जो है या कोई गाड़ी ढुक गया गेट बंद, मैंने काफी सारे एक्सीडेंट होते रहता है, आप मतलब अक्सर न्यूज में पढ़ते रहते हैं, तो ये तो बहुत ही मैंने एकदम सेंसिटिव इशू है कि लिमिटेड हाइट सबवे जो है ये बनाया जा रहा है। इसके और भी कई फायदे हैं, जैसे आपका जो है वहाँ पर अब क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा गेट, तो हमारा जो स्टाफ जो काम कर रहा है वहाँ से हट गया, तो हमारा जो PDA का गैंग होता है उसमें जाके वो मर्ज हो जाता है, अब प्लस हमारा माने मॉनेटरी भी बेनिफिट है, क्योंकि गेट का बहुत सारा मेंटेनेंस करना पड़ता है हम लोग को, हमारा लिफ्टिंग बैरियर है उसमें लगा हुआ गेट, लेवल क्रॉसिंग रोड है, फेंसिंग है, बिल्डिंग है, तो वो सारा चीज हमारा बचत हो रहा है, प्लस सेफ्टी को हम एकदम प्रायोरिटी में रख रहे हैं, यही सबसे बड़ा फायदा है। जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको अंडरग्राउंड होकर सबवे में लाइन क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो समझे गाड़ी हो, सबके लिए लिमिटेड हाइट सबवे को अप्रूव किया जाएगा और हो रहा है, जैसे हम लोग अभी करके आए हैं काफी फायदा हो रहा है इससे।
है, सबसे बड़ा फायदा। तो सर ये बताइए काम कैसे कर रहा है? काम कर रहा, देखिए एक्चुअली मैं इसमें इसका मैकेनिज्म क्या, ये काम करता कैसे है? जैसे मान लीजिए गाड़ी आ रहा है, किसी को पार होना हुआ तो कैसे है ना कि हमारा कुछ सेगमेंटल बॉक्स होता है, उसको हम लोग कास्टिंग कर देते हैं, उसके बाद हम लोग 5-6 घंटा का ब्लॉक लेके, ट्रैफिक ब्लॉक पावर ब्लॉक लेके, उसको हम लोग क्रेन के थ्रू ट्रैक को वहाँ से हटा देते हैं। थोड़ा टाइम रिंग्स मतलब जिस समय हमारा लॉन्चिंग होगा 6 घंटा 5 घंटा जो भी लगता है समय, डबल ट्रैक है सिंगल ट्रैक है, उसको हम लोग क्रेन के द्वारा बॉक्स को लॉन्च करते हैं। लॉन्चिंग करने के बाद हमारा जो है ट्रैक फिट हो जाता है 6 घंटा, फिर गाड़ी चलने लगती है। उसके बाद का बाकी काम होता है कि हमारा वहाँ पर रोड बनाना है, अच्छा उसका रिटेनिंग वाल है और वो सेफ्टी हमारा वहाँ पर बनता है ना, तो वो सेफ्टी काम होने के बाद हमारा रोड बनता है। और जैसा लेवल क्रॉसिंग गेट के ऊपर आप देखते हैं कि हमारा हाइट गेज वगैरह सेफ्टी पर्पज के लिए लगा रहता है, तो सब हम लोग लिमिटेड हाइट सब में उसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसका अंडरग्राउंड जाने के लिए सारा माने जो आदमी पार होने के लिए, फिर अंडरग्राउंड फिर उसका ड्रेनेज सिस्टम जो रहता है दोनों तरफ से कि पानी ना लगे, उसको पूरा ड्रेनेज सिस्टम देके हम लोग उसको पानी के निकालने के लिए करते हैं। मतलब आपको हर हिसाब से वो माने वो सर इस टाइम टेबल रहता है और सेफ्टी पर्पज के लिए हमारा ठीक रहता है। इसमें भी ज़्यादा फोकस रेल का भी है और हम लोग भी चाहते हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, सेफ्टी जहाँ पर हो हमारा रेल में ही है कि सेफ्टी जहाँ पर हो वहाँ ज़्यादा अपना काम करना है, तो काम चल रहा है। सर मुझे ये बताइए कि जब वो ट्रेन आ रही होगी, ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि हम लोग का अभी तक क्या सिस्टम है कि जब ट्रेन आ रही होती तो वो गेट लग जाता है, जनता इधर रुक जाती है, तो अभी जो आपका नया वाला मैकेनिज्म जो बता रहे हैं इसमें क्या होगा? ट्रेन मतलब वो पटरी ही हट जाएगी कि आपने नीचे से वो पुल बना दिया लोगों को जाने के लिए? वो ऊपर से पटरी जैसे जा रही है और हमारा रेल लाइन के नीचे से मैंने नाम है लिमिटेड हाइट सब मैंने अंडरग्राउंड जो रास्ता है ना, लगभग आपको रेल ट्रैक से लगभग 5 मीटर नीचे, जैसे आप यहाँ पर देखना गैप ब्रिज बस सेम वही मैंने बंगला पर है। हाँ हाँ। लेकिन हमारा थोड़ा सा उसमें है कि उसमें सेफ्टी और हाइट गेज जिसका भी हाइट गेज है तो वो लेवल क्रॉसिंग का है, लेवल क्रॉसिंग का नहीं, तो सही अंतर सेम है। और कंक्रीट का पूरा रहता है स्ट्रक्चर हमारा जो रहता है इसी पर हमारा सारा रोड रहता है और काम करते हैं उसमें हम लोग एकदम उसी हिसाब से करते हैं, जैसे आराम से आदमी मैंने 1:30 का ग्रेड जो होता है रोड का या 1:40 का ग्रेड में रोड बनाते हैं कि आराम बुढ़ा आदमी भी बच्चा भी आराम से चल के उसको निकाले। मतलब कि अब ट्रेन आ रही है जा रही है उसी जनता को कोई मतलब नहीं है, आप अपना नीचे से जाइए पार होते रहिए, साइकिल रिक्शा भी जाना है, बच्चा को स्कूल जाना है, कोई मतलब नहीं है ट्रेन से, एक्सीडेंट तो जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो प्रोबेबिलिटी। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे फ्रेंड्स का, और इसलिए हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में इनसे जाना अभी, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब इसको जाने और लोगों को थोड़ा जागरूक भी करें। और सर मुझे ये बताइए कि जैसे आप ये बता रहे थे तो रेलवे को इस टेक्नोलॉजी को लाने में इतना टाइम क्यों लग गया जब तक इतने जाने चलेंगे? देखिए लाने में हर चीज तो नया नया इन्वेंट हो ही रहा है रेल में, ऐसी बात नहीं है, लेट नहीं हुआ, पहले और भी मैंने बाकी डिवीजन में चल रहा था काम, लेकिन हमारा धनबाद डिवीजन में आया है थोड़ा लेट से, बाकी आप जबलपुर डिवीजन अदर डिवीजन में देखेंगे वहाँ पहले से चल रहा था काम, ऐसी बात। तो इसको देरी का क्या कारण था? खर्चा ज्यादा था इसमें इसलिए क्या सर? खर्चा नहीं था, इसमें रिसर्च चल रहा था, जो हमारा RDSO जो है डिपार्टमेंट जो है रिसर्च करते हैं रेलवे से संबंधित सारे कार्य को, उसका सारा चीज रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, और उस हिसाब से इसको लेट ना कहा जाए, हर चीज जब नया होता है तो समझिए नया है, लेट नहीं कहा जाए, और इन्वेंशन हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो सर एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? जैसे कि सर मुझे लग रहा है कि जैसे कि मान लो कि ये तो सब कोई जान रहा था कि रेलवे क्रॉसिंग है तो दो ऑप्शन है, या तो फिर ऊपर से ब्रिज बना दीजिए लोग चढ़ के चले जाए, या तो नीचे से बना दीजिए फिर गेट लगा दीजिए, तीन ऑप्शन है। फ्लाईओवर ब्रिज जो ना काफी खर्च, ठीक है सर। तो मैं मतलब ये जो रिसर्च आपने कहा सर, तो रिसर्च किस बात को लेकर की हो रही थी? जब ट्रेन पार होगी तो लोड ज्यादा हो जाएगा, वो धस जाएगा, इसका डर था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो तो डिजाइन होता ही है कि हमारा एक्सल लोड जो है ना होता है हमारा ट्रेन का या लोडेड वैगन का, तो सब तो होता है, तो ऊपर वाला ये सब जो बैठे हुए साइंटिस्ट हमारे रेल में भी है सब करते हैं, हम लोग तो बहुत नीचे हैं क्योंकि हम लोग फील्ड में ज्यादा है, उसका आ गया हमारा सर्कुलर ड्रॉइंग आ गया, हम लोग उसको वर्क फील्ड में करवाते हैं, उतना ही हम लोग का मतलब रहता है, बाकी पॉलिसी मीटर हमारे ऊपर वाले जो है कब लाने का इसका लाना है उसको देखते हैं। और सर एक क्वेश्चन और था बच्चों का कि सर जो आपने कहा था कि
LHS वाला कॉन्सेप्ट से, तो उससे सर गेटमैन वालों की जॉब तो खत्म हो जाएगी? नहीं, एक गेटमैन का जॉब का है खत्म, वो आपको PWI जो होते हैं सीनियर रिसीवर टीम है, जो ट्रैक का है वो अपना ट्रैक का काम में उसको इन्वॉल्व कर लेंगे, बहुत सारा उनका है, नेट का है, कीमेन का है, उस पर उसमें उसको लगा देंगे, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हमारा ट्रैक का मेंटेनेंस अच्छा होगा।